इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने प्रीता को देखा? आंटी कुछ बहुत बड़ी बात बताना चाहती थी, बहुत पैनिक लग रही थी, बहुत डिस्टर्ब। मैं तो सिर्फ प्रीता के बारे में पूछ रहा हूँ, तू सरला आंटी की बात कर रहा है। करण, सरला आंटी बहुत जल्दी में थी, वो बहुत पैनिक थी, जैसे हड़बड़ाहट में कोई वो बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ सबको। जैसे जैसे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे रुक जाओ, सब कुछ रोक दो, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाहती थी। तू समझ रहा है ना, एक वो ना पैनिक स्टेट में थी, वो बहुत इमोशनल थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या बताना चाहती। उन्होंने सृष्टि के एक्सीडेंट के बारे में तो पता चल गया। सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या वो ज्यादा चोट लगी? कहाँ है? कहाँ से? कैसी तबीयत है उसकी? मुझे भी तब पता चला जब मेरी फैमिली से बात हुई। तुझे मुझे बताना चाहिए ना यार करण, तुझे जैसे ही मालूम चला था तो तुम लोग यार। किसका फोन है? ऋषभ जी, उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ जी। ऋषभ जी, सृष्टि, सृष्टि अपना फोन स्पीकर पर डालो। ओके, डाल दिया। समीर, तू सृष्टि को डॉक्टर के पास लेकर गया? हाँ ऋषभ जी, ले गया था और हम वापस भी आ गए, सब कुछ हो गया। सृष्टि, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, समीर तू मेरी बात का जवाब दे, तू सृष्टि को डॉक्टर के पास लेकर गया? हाँ ऋषभ भैया, सब कुछ ठीक है। करण भाई का मुझे फोन आया था, वो कह रहे थे कि सृष्टि को डॉक्टर के ले जाओ। हम लोग डॉक्टर के पास ही वापस आ रहे हैं और डॉक्टर ने मेडिसिन भी दे दी है, एवरीथिंग इज फाइन। तो तुम यहाँ पे कितनी देर में पहुँच रहे हो? हम भैया बस घर पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, मुझे घर पहुँचते ही मिल। हाँ जी भैया। ओके, कहाँ है? सर थोड़ी देर पहले यही था वो, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। हाँ तो ये सब बातें छोड़, ये बता कि मास्क कैसा पहना था उसने? बड़ा वाला मास्क पहना हुआ था। बड़ा सा कैसा? जिससे पहनने से पूरा चेहरा ढक जाता है, इनके जैसा। ये तो नहीं था जो डांस कर रहा है? हाँ सर, ये वही है, वो जो डांस कर रहा है। जा, तू जा। जी। हाँ। मुझे यकीन था कि उल्लू का पट्ठा ही कोई ना कोई हरकत कर रहा होगा, पर मॉम के बारे में इसने इतना गंदा मजाक किया, आज ये मुझसे बचेगा नहीं।